going to travel to Mars. मैं मंगल ग्रह पर घूमने जा रहा हूँ. आइए की जानकारी के लिए आप मेरे साथ रहिए और ये वीडियो आगे तक देखते रहिए. क्या बताऊ यार, वाव, मंगल, वहां पर जाने से आदमी उठता नहीं, उठ जाते हैं. अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा मुझे मार्स पर जाने के लिए जो टिकट दिए हैं वो देखने के लिए आप किसी भी सर्च इंजन जैसे कि गूगल क्रोम, ओपेरा ब्राउजर, मोजिला फायरफॉक्स में चले जाइए और टाइप कीजिए www.mars.nasa.gov/participate/send-your-name/insight/ और फाइंडिंग बटन पर क्लिक कर दीजिए. और ये ओपन होने को बाद सबसे पहले जो आ रही है वो है कि सेंड योर नेम टू मार्स इनसाइट नासास मार्स एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम. इस पर क्लिक कर दीजिए. आप देख रही है नासा की वो साइट ओपन हो गए. आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे चले आइए. नीचे आने पर देख सकती है फ्यूचर मिशन. नासा की फ्यूचर में जो मिशन आ रही है उस पे अगर आप शामिल होना चाहती है या चाहते हैं तो इस पर आपने ईमेल डालकर सबमिट कर दीजिए. मैं पहले ये कर चुका हूं तो दोबारा मुझे एक नहीं करना पड़ेगा. फिर से इस पेज की बैक बटन पर क्लिक कर दीजिए और मेन पेज में चले आइए और स्क्रॉल डाउन करके फ्रीक्वेंट फ्लायर पर आ जाइए. मैं यहां एंटर लास्ट नेम पर मेरा लास्ट नेम मौलिक लिख दिया हूं और एंटर ईमेल आईडी पर मेरा जो ईमेल आईडी है forwardtomedeep@gmail.com वो लिख देता हूं. वो लिखने पर शो माय पॉइंट्स बटन पर क्लिक कर दीजिए. देख रही है पूरे इंफॉर्मेशन ओपन हो गए. मैं मार्स फ्रीक्वेंट फायर क्लब की मेंबर हूं. पेज को स्क्रॉल डाउन करके नीचे आने पर व्यू योर बोर्डिंग पासेस नाम की एक बटन शो कर रही है, उस पर क्लिक कर दीजिए. नासा से मुझे जो बोर्डिंग पास मिले हैं वो आप शो कर रही है. तो व्यूअर्स, आगे की जानकारी के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए. मेरे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए और ये वीडियो को लाइक कर दीजिए. नासा की मंगलयान इनसाइट मार्स लैंडर सफलतापूर्वक मंगल पर लैंड कर चुकी है और ये मिशन अगले 2 साल तक मार्स की डीप इंटीरियर की स्टडी करेंगी. अगर आप भी स्पेस में जाने की चाहत रखते हैं तो आपका ये सपना सच हो सकते हैं. स्पेस टूरिज्म को हकीकत बनाने के लिए 4 प्राइवेट कंपनीज काम कर रही है. जी हाँ, ये 4 प्राइवेट कंपनीज है स्पेसएक्स. इस कंपनी की स्थापना की है एलोन मस्क ने. इस कंपनी की लक्ष्य है कैसे स्पेस टूरिज्म को सस्ता बनाया जाए. स्पेसएक्स कंपनी भविष्य में मार्स यानी कि मंगल पर टूरिस्ट भेजने की कोशिश कर रही है. जो कंपनी भविष्य में स्पेस में टूरिस्ट भेजने की कोशिश कर रही है उसके दूसरे स्थान पर आ रही है ब्लू ओरिजिन नामक कंपनी. तीसरा जो कंपनी है वो है वर्जिन गैलेक्टिक. 13 दिसंबर 2018 को कैलिफोर्निया की मोजावेक एयर एंड स्पेस पोर्ट से पायलट मार्क स्टकी एंड सीजे एस ने वर्जिन गैलेक्टिक की स्पेसक्राफ्ट VSS यूनिटी को सफलतापूर्वक 82.7 किलोमीटर यानी कि 271,325 फीट तक ले जाने के लिए सफल हो गए और इसके साथ साथ स्पेस टूरिज्म हकीकत बन गए.
है वर्ल्ड व्यू नामक कंपनी जो स्पेस में भविष्य में टूरिस्ट भेजने की कोशिश कर रही है। अभी तक मंगल में रहने का कुछ दिक्कतें हैं, जैसे कि ऑक्सीजन का नहीं होना, रेडिएशन की प्रॉब्लम, पानी है लेकिन क्रिस्टलाइज। अगर ये सब दिक्कतें साइंस दूर कर सकती है तो हम पृथ्वी के लोग भी मंगल में भविष्य में जी सकते हैं।